नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम हरेलिया। इस YouTube चैनल के माध्यम से हम क्लास 9 से लेकर 12 तक पूरी केमिस्ट्री और क्लास 10th की साइंस कवर कर रहे हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री में आज हम बात करने वाले हैं अलॉयज की। अलॉयज को पढ़ने से पहले एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं और जान लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, क्योंकि ये कनेक्टेड है भाई अलॉयज से। इसलिए मेटल्स मेलेबल होते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन करोड़ कर जाते हैं। और आयरन के केस में तो रस्टिंग से बिल्कुल आयरन बर्बाद ही हो जाता है। ये हमारे काम की प्रॉपर्टीज थी जो हमें अलॉयज को पढ़ने के लिए जाननी चाहिए थी। अब पहले ये जानिए कि अलॉय होता क्या है। एक्चुअली अगर डेफिनेशन पूछी जाए ना, तो अलॉय इज अ मिक्सचर, अ होमोजेनस मिक्सचर, याद रखिएगा, होमोजेनस मिक्सचर। अलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड अदर मेटल्स, ठीक है, मेटल या फिर अदर मेटल्स, दो तीन मेटल भी इकट्ठे हो सकते हैं, या फिर इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विद अ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल हम थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, ठीक है। तो ये जब मिक्सचर तैयार हो जाता है ना, तो वो कहलाया जाता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर। इस मिक्सचर को तैयार करने के लिए ऑब्वियसली मेटल को मेल्ट कर दिया जाता है, जो नॉन मेटल है उसको मेल्ट कर दिया जाता है, और दोनों को फिर कूल कर दिया जाता है रूम टेम्परेचर। या फिर मेटल को मेल्ट कर दिया जाता है और बाकी के एक दो एलिमेंट्स, मेटल्स जो हैं, जो इसके साथ मिक्स करने हैं, उनको भी मेल्ट कर दिया जाता है और फिर इनको कूल कर दिया जाता है। ये तो प्रोसेस हुआ अलॉयज बनाने का। लेकिन अलॉय बनाना ही क्यों है जब हमारे पास मेटल है? तो देखिए, ऐसा है कि मेटल्स, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो हमारे बड़े ही काम के हैं अगर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे हिसाब से हो, यानी कि कुछ चेंजेस हो जाए। अब जैसे कि एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम ना लाइट होता है, लेकिन अगर वो हार्ड हो, अगर वो स्ट्रांग हो, तो क्या बात है, वो हमारे बड़े काम का होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल का पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इस अलॉयज की प्रॉपर्टीज की। अब अगर मैं बात करती हूँ एल्यूमिनियम की, तो आप भली बात ही जानते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम फॉइल एल्यूमिनियम की मेलेबिलिटी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। डक्टिलिटी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो पोल, जिससे एल्यूमिनियम का वायर एक जगह से दूसरी पोल पर जा रहा है और फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। अब क्या है कि भाई लाइट तो है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, लाइट है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, पर मुझे इसकी लाइट प्रॉपर्टी के साथ अगर इसमें स्ट्रांगनेस आ जाए ना, तो भाई क्या कहने, तो मेरे बड़े काम का होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि एल्यूमिनियम के साथ ध्यान दीजिएगा, कॉपर, मैग्नीजियम और मैग्नीज, ये मिक्स कर देती हूँ। आप समझ रहे हैं, एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम में कॉपर, मैग्नीजियम और मैग्नीज, ये सब मिक्स कर दिया। अब जब ये सारा का सारा मिक्स कर दिया जाएगा, तो मेरे पास जो अब आउटपुट आएगा अलॉय के फॉर्म में, वो लाइट तो है ही लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रांग भी है, ठीक है। तो इस अलॉय का एक नाम भी होता है ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियमिन होता है इसका नाम, इस अलॉय का नाम। तो इस अलॉय में स्ट्रांगनेस आ गई है, इस वजह से हम इसका स्पेसक्राफ्ट में, एयरक्राफ्ट में, एरोप्लेन में और हमारी रसोई में भी इस्तेमाल करते हैं। वो जो कुकर आप इस्तेमाल करते हो ना, ये बोल के कि भाई एल्यूमिनियम का कुकर है, वो एल्यूमिनियम का कुकर नहीं है, वो आपका ड्यूरेलियमिन है, यानी कि इट इज एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम मिक्स्ड विद कॉपर, मैग्नीजियम और मैग्नीज, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब कभी भी केमिस्ट्री को याद करने का बेस्ट तरीका यही है कि जब कभी भी किचन में जाएं, तो किचन में जो भी बर्तन दिखाई दे, कुकर दिखाई दिया, तो इट इज एन अलॉय दैट इज मेड अप ऑफ दिस, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एल्यूमिनियम की फिर से बात करते हैं। यहां तो मुझे स्ट्रांगनेस चाहिए थी, लेकिन अब एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं सख्त होना चाहिए, यानी कि हार्ड होना चाहिए। एल्यूमिनियम लाइट है, अगर हार्ड हो जाए तो क्या कहने, मेरे बड़े काम का है। तो मैं क्या करती हूँ कि एल्यूमिनियम तो है ही, एल्यूमिनियम के साथ मैग्नीजियम जोड़ देती हूँ। सिर्फ मैग्नीजियम का एक मिक्सचर हमें डालना है, और अगर हम एल्यूमिनियम को मैग्नीजियम से मिक्स कर देते हैं, तो बन जाता है मैग्नीशियम। क्या है, ओके। अब ये जो हमारे पास नया एलॉय आया है, जिसको हम मैग्नीशियम बोलते हैं, ये मैग्नीशियम, जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्ड भी है, इसीलिए ये लाइट इंस्ट्रूमेंट्स में और बैलेंसिंग बीम को बनाने के काम में आता है। बैलेंसिंग बीम याद है, ओलंपिक्स तो देखते होंगे, जिमनास्टिक्स देखते हैं आप,
तो उसमें जो बड़ा सा बीम होता है ना, जिसमें वो पार्टिसिपेंट आके जिमनास्टिक्स करके दिखाती है, तो वो जो बीम होता है ना, वो बना होता है आपके एल्यूमिनियम के अलॉय का. उसको एल्यूमिनियम मत कहिएगा, दैट इज एन अलॉय, दैट इज नोन एज मैग्नीशियम. ऑलराइट, क्लियर हो गया. अब आप ये तो समझ गए होंगे कि हमारे पास जो मेटल होता है उसमें अगर बाकी के एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया जाए तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एनहेंस किया जा सकता है, ताकि हम उनको एक वाइड रेंज में बहुत ज्यादा उपयोग में ला सकें. ये तो बात थी एक मेटल की, मेटल्स के साथ मिक्सअप होने की कहानी. पर मैंने आपको शुरुआत में ये बताया कि अलॉय वो भी होता है जो मेटल नॉन मेटल के साथ मिक्स होके बनता है. मेटल एंड नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, नॉन मेटल की थोड़ी सी ही क्वांटिटी हम लेते हैं. एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. आयरन तो आपको मालूम ही है क्या होता है. आयरन इतना वाइडली यूज होता है कि आप सबको मालूम है कि वो क्या होता है, लेकिन आप उसको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग, सख्त और रस्टिंग वाला कंपोनेंट मानते हैं, आई मीन एलिमेंट मानते हैं. पता है असल में आयरन जो है ना, बड़ा सॉफ्ट होता है और स्ट्रेच हो जाता है. उसको थोड़ी सी भी हीट मिलती है ना, वो स्ट्रेच हो जाता है. तो हमें क्या करना है कि आयरन को अगर हम और एलिमेंट्स के साथ, मेटल्स के साथ स्पेसिफिकली, या फिर नॉन मेटल्स के साथ मिक्स कर देते हैं, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को एनहेंस कर देते हैं. जैसे कि अगर आपको आयरन वैसे इस्तेमाल करना है, तो आपको मालूम है कि आयरन के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो करोड हो जाता है, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं. तो रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए आप आयरन पे क्या करेंगे? आप हमेशा तो आप जैसे गेट है आपका आयरन का, तो चलिए उस पर आपने पेंट कर दिया या कभी आपने गैल्वनाइजेशन करा दिया. लेकिन ये जब हम ब्रिजेस बनाते हैं, गिर्डर्स बनाते हैं, नेल्स बनाते हैं, स्क्रूज बनाते हैं, घर बनाते हैं, तब तो ये पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है ना. तो कई जगहों पे तो आयरन को एज इट इज हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन और बाकी जगहों पे हमें उसको आयरन के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना होता है. तो हम क्या करते हैं, आयरन में 0.5 से लेकर 1.5% तक कार्बन मिक्स कर देते हैं. ध्यान से सुनिए, 0.5% से लेकर 1.5% तक अगर आप उसमें कार्बन मिला देते हैं तो बन जाता है आपका स्टील. स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं आप लोग, जो वो बर्तन होता है ना, आपने देखा है कभी उसमें जंग नहीं आती, आती है, कम आती है जंग, लेकिन ठीक है ना. हम लोग स्टेनलेस स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं. स्टेनलेस स्टील का जिक्र करूंगी अभी, अभी सुन लीजिए. तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टील, स्टील बना देते हैं. तो दैट मीन्स होमोजेनस मिक्सचर ऑफ आयरन विथ कार्बन गिव्स यू स्टील, और उस स्टील से आप वही अगेन सेम ब्रिजेस एंड ऑल ये सब बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं. तो इसकी स्ट्रेंथ भी बनी रहती है और करोजन भी नहीं होता है, क्योंकि स्टील इज रेजिस्टेंस टू करोजन. करोजन होता है इसमें, स्टील में तो हो जाता है, लेकिन उतना नहीं होता जैसे आयरन, तो पूरा ही बर्बाद हो जाता है. तो अब हम क्या करें, स्टील के बाद अगर हमें बिल्कुल ही करोजन से बचाना है तो हमें क्या करना है, तो हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीका लेकर आते हैं. आयरन लीजिए, आयरन में क्रोमियम और निकल मिक्स कर दीजिए. ये दोनों के दोनों मेटल्स हैं, आयरन, क्रोमियम और निकल. जब ये मिक्स हो जाते हैं तो आपको मिल जाता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है ना. स्टेनलेस स्टील आपको मिल जाता है. स्टेनलेस स्टील मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पे मेरे सामने रखा हुआ भी है, ठीक है ना. स्टेनलेस स्टील, ये स्केल स्टेनलेस स्टील का है. अच्छा, जो कैंची होती है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नाइफ होती है, ये क्या होते हैं, स्टेनलेस स्टील ही तो होते हैं, तभी तो इन पे कभी भी रस्ट नहीं आता है, ठीक है ना. तो ये स्टेनलेस स्टील का एक बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है जो हम लोग करते हैं, ठीक है ना. चलिए, ये तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली इन दोनों प्रोसेस से, जो हमने छोटे से दो एग्जांपल्स समझे हैं अभी एल्यूमिनियम का और आयरन का, इससे हुआ क्या है. अलॉयज में एज कंपेयर टू द ओरिजिनल मेटल, अलॉयज आर हार्ड, हार्डर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, करोजन भी नहीं होता, और एक प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टीज है इनफैक्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. वैसे मेटल्स का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन इनका मीन्स अलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती है. मेटल्स तो हाईली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं, जैसे कि कॉपर है, कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता है, बढ़िया होता है ना, तभी हम उसका इस्तेमाल करते हैं वायर्स के फॉर्म में. लेकिन अगर कॉपर के साथ किसी का अलॉय बनाया जाए, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा. ओके, आप जो कुछ अलॉयज आपकी किताब में दे रखे हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं, बहुत ही आराम से सब कुछ याद हो जाएगा, बस ध्यान से सुनिए. देखिए, हम बात कर रहे हैं अलॉयज की. ओके, अब हम बात करेंगे ब्रास की.
हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कॉपर बड़ा अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव कंपोनेंट होता है, लेकिन अगर ब्रास में, अगर ब्रास ब्रास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वो हम देखते हैं। कॉपर और जिंक मिला दीजिए, कॉपर 80% जिंक 20%, इन दोनों का मिक्सचर ब्रास बन जाता है। आपके घर में कई सारे गुलदस्ते रखे होते हैं ना ब्रास के बने हुए, तो वो ब्रास होता है। ओके, तो ब्रास क्या होता है, ऑब्वियसली अब क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है इसीलिए आप उसको कुकिंग यूटेंसिल्स, हमारे घरों में होता है ब्रास के बर्तन, स्क्रूज, नट बोल्ट, वायर, फ्लावर वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप्स वगैरह बनाने के काम में आता है, ये हम ब्रास की बात कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंज, थोड़ा सा ऊपर नीचे है कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, कॉपर तो रहेगा ही, ब्रोंज तो आप जानते होंगे, आप लोग खेले होंगे, फर्स्ट आए हैं तो गोल्ड, सेकंड आए हैं तो सिल्वर, और थर्ड आए हैं तो क्या मिलता है, ब्रोंज मेडल मिलता है, ब्रोंज का तमगा मिलता है ना, तो दैट इज ब्रोंज। तो ब्रोंज में क्या होता है, कॉपर है, कॉपर 90% है। ओके, और उसके बाद आ जाता है आपका एसएन, एसएन क्या होता है बताएंगे आप लोग, टिन होता है, टिन होता है ना, ठीक है, तो 10% ये आप दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ब्रोंज होता है रेजिस्टेंट टू करोजन, करोजन उसमें नहीं आता है। ओके, देन स्टैचूज, कॉइन, मेडल्स, ऑर्नामेंट्स बनाने के काम में आता है। ओके, कुकिंग यूटेंसिल्स, शिप में प्रोपेलेंट की तरह उसको सप्लाई करने के लिए वो सारा का सारा हमारा ब्रोंज से बनता है। तो ये तो दो चीजें हो गई आपकी, ब्रोंज और ब्रास, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा रेजिस्टेंट टू करोजन है, स्टैचूज बनाने के काम में आता है, कॉइन्स, मेटल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स और शिप प्रोपेलर्स के फॉर्म में हम ब्रास का इस्तेमाल करते हैं। और अब आगे आने वाला है सोल्डर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेल्डिंग करते देखा है कभी किसी को, दैट इज सोल्डर। ओके, इसमें क्या होता है, लेड और टिन 50-50% मात्रा में ले लीजिए, लेड और टिन, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हमने पहले भी बात की थी कि मेटल्स, ओरिजिनली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा लेकिन अलॉयज के केस में जब दो प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी तो मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट है और इलेक्ट्रिकल वायर्स को सोल्डरिंग करने के काम में आता है। कई बार क्या होता है आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना उनके तार टूट जाते हैं, तो अब उन तारों को आपको अच्छे से वेल्ड करवाना होता है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स की जो वेल्डिंग की जाती है ना, एक छोटा सा पेन जैसा एक छोटा सा रॉड होता है हाथ में, आपने कभी देखा होगा तो, और नहीं देखा है तो कभी इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाइएगा पेरेंट्स के साथ, मम्मी या पापा के साथ, तब देखिएगा, अभी नहीं, अभी लॉकडाउन मीन्स वो सिचुएशन है ना कोरोना वाली, अभी नहीं जाइएगा, तो सोल्डरिंग जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है अमलगम, अमलगम इंग्लिश का एक वर्ड अमलगमेशन से निकलता है, अमलगमेशन का मतलब वही होता है मिक्सिंग, तो हम तो बात ही अलॉयज की कर रहे हैं जहां पर मिक्सिंग करनी है। इसमें क्या होता है, अमलगम में अगर मान लीजिए आपके पास मर्करी है, मर्करी HG, उसमें अगर आप सोडियम मिला देना तो वो कहलाया जाएगा सोडियम अमलगम, क्लियर, सोडियम अमलगम। ये जो है ना ये सिस्टम अमलगमेशन वाला, ये बड़ा ही हमारे काम का है, आप लोगों ने देखा होगा कि घर में मम्मी की, पापा या दादा दादी या किसी की भी, आप आपके खुद के भी दाढ़ में अगर कोई दिक्कत हो गई है तो उसमें क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं ना, ठीक है ना, तो अगर मर्करी के साथ सिल्वर या फिर टिन या फिर जिंक का भी इस्तेमाल किया जाता है तो उनको मिक्स कर देते हैं ना, तो वो टूथ फिलिंग के काम में आती है, जो डेंटिस्ट करते हैं ना टूथ फिलिंग का काम, तो वो अमलगम होता है, क्लियर। और अब हम बात करते हैं गोल्ड की, आप बड़े बोलते हो ना कि भाई गोल्ड कितने कैरेट का है, भाई 24 कैरेट का गोल्ड बड़े प्योर होता है, लेकिन वो इतना सॉफ्ट होता है कि आप उससे ज्वेलरी बना ही नहीं सकते, दैट इज वेरी सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा चिकना होता है, तो हमें क्या करना होता है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें कुछ मेटल्स डालने होते हैं, जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं कि इम्प्योरिटीज डालनी होती है, लेकिन वो इम्प्योरिटीज भी पता है क्या होती है, सिल्वर या फिर कॉपर, तो सिल्वर कॉपर जब आप डाल देते हो आयरन के साथ उसको मिक्स कर देते हो तो फिर वो आपको वो गोल्ड देता है जिसको आप बोलते हैं 22 कैरेट गोल्ड। तो 22 कैरेट गोल्ड का क्या मतलब होता है, 22 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है कि 22 पार्ट्स तो गोल्ड के हैं और सिर्फ दो पार्ट सिल्वर या फिर कॉपर के होंगे, जिसके वजह से वो कॉपर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप उसकी ज्वेलरी बना भी सकते हैं और उसको लंबे समय तक पहन भी सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि वो मीन सॉफ्ट हो गया, वो पिघल के ही गिर गया, ऐसा नहीं होगा, क्लियर। तो ये थी एक छोटी सी कहानी अलॉयज की, याद रखिएगा परसेंटेज, याद रखिएगा ब्रास,
ब्रोंज में दोनों में कॉपर है, इसमें 80%, इसमें 90%, यहाँ 20%, यहाँ 10%, सिर्फ 10-10% का डिफरेंस आ गया है। याद रखिएगा इधर जिंक है, इधर टिन है आपके पास। ओके, सोल्डर याद रखिएगा, पीबी और टिन। अमलगम तो आप याद ही रखिएगा, अगर मर्करी के साथ सोडियम मिक्स कर दें तो सोडियम अमलगम कहलाया जाता है, और अगर मर्करी के साथ आप सिल्वर का इस्तेमाल करें या बाकी कंपोनेंट्स का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है तो दैट इज यूज फॉर आयरन, दिस वन टीथ फिलिंग, ठीक है ना, डेंटिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ओके, गोल्ड तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो जब कभी भी आप दुकान पे जाएं तो उसको ये मत बोलिए हमें 24 कैरेट गोल्ड दीजिए। अगर आप उसको पहनना चाहते हैं तब तो फिर आपको भैया कोशिश करनी होगी कि आप 22 कैरेट गोल्ड ही लें, जो अक्सर मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, याद रखिएगा बिल्कुल ध्यान से, बहुत सिंपल तरीका है, रसोई में जाइए, कुकर को देखिए, समझ में आएगा। कभी आसमान में एरोप्लेन उड़ते देखे तो सोचिए कि किस किस चीज से बना है, ये फिलिंग देखते हैं तो समझ जाइएगी, अच्छा इसमें मर्करी आई मीन सिल्वर या फिर जिंक या फिर ये जो कंपोनेंट्स हमने लिख रखे हैं टिन, ये सब कुछ मिक्स होगा वहां पर, तब कहीं जाके ये टूथ फिलिंग बना होगा, ठीक। जब अपना मेडल देखें तो ध्यान कीजिए किसका अमलगमेशन है, ये अमलगमेशन मीन्स मिक्सिंग, ठीक है ना। चलिए अमलगमेशन यहाँ पे नहीं बोलते क्योंकि ये तो अलग सेपरेट टॉपिक ही इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। तो खैर ये थी अलॉयज की कुछ प्रॉपर्टीज, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन इस चैप्टर में है, लेकिन रस्टिंग ऑफ आयरन मैं कम्प्लीटली आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुकी हूँ, वहां से रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ लीजिएगा। कुछ मेटल्स के करोजन में आपसे बेशक डिस्कस कर लूंगी, उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे चैप्टर में कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज बेहिचक पूछिएगा, 1000 बार पूछिए, आल आंसर हो क्वेश्चन एंड योर क्वेरी। ऑलराइट, चलिए केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री बहुत बढ़िया बनाइए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, रटिए मत, सिर्फ समझिए, ठीक है। कुछ केयर ऑफ योर्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।